साथियों, देश में नेक्स्ट जनरेशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देते हुए आज दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शिलान्यास किया गया है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये देश का पहला आरआरटीएस होगा। इसमें रैपिड रेल और मेट्रो दोनों ही ट्रेनें चलेगी। इस आरआरटीएस के पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी सिर्फ 1 घंटे की रह जाएगी। ऐसी ही एक और आधुनिक व्यवस्था इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का शिलान्यास भी किया गया है। ये सिस्टम स्पीड वायलेशन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ट्रैफिक सर्वेलेंस कैमरा जैसी अत्यंत आधुनिक तकनीक से लैस है। इससे यहां की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी। भाई और बहनों, सड़क यातायात को आधुनिक बनाने के लिए भी नॉर्दर्न पेरिफेरल मास्टर प्लान रोड और आउटर रिंग रोड का शिलान्यास आज किया गया है। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तब दिल्ली से आने वाली गाड़ियों को गाजियाबाद शहर में एंट्री की जरूरत नहीं रहेगी। इससे यहां के ट्रैफिक पर दबाव कम हो जाएगा। साथियों, गाजियाबाद की कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने वाले ये सारे प्रोजेक्ट आप सभी के जीवन को तो सुगम बनाएंगे ही, साथ में यहां नए उद्यमों के लिए भी नए अवसर पैदा करेंगे। इनसे आसपास के गांव में रहने वाले किसानों के लिए भी अपने दूध, सब्जी, अनाज जैसी तमाम चीजों को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों पर पहुंचाने में ज्यादा सुविधा होगी।